बारिश के कारण फसल का नुकसान। पंडित रघुनाथ दास की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत। देश में हर साल हर डैडी इसको कैसे पढ़ते हैं? हृदय हृदय हार्ट। अच्छा हृदय। अरे पागल, हृदय नहीं हृदय। और ये तू क्या कर रहा है? पढ़ाई की किताब छोड़कर तू ये अखबार क्यों पढ़ रहा है? मम्मी कहती है कि बच्चों को रोज अखबार पढ़ना चाहिए। कुकिंग 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 मैं आ गई। क्या है ये? उस तरफ देखो। क्यों उस तरफ देखो? ये क्या, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? चूहे ने काट लिए क्या? मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं ब्यूटी पार्लर से। छोड़ो ना, क्यों बुलाया था मुझे? ये चिंटू को अखबार पढ़ने के लिए तुमने कहा? हाँ, क्यों? तुम्हें चिंटू की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है। केशु, अखबार से चिंटू की सेहत का क्या ताल्लुक है? अरे अखबार पढ़ने से बड़े बड़ों की सेहत बिगड़ जाती है और चिंटू तो बच्चा है। हाँ मम्मी, आजकल हृदय की बीमारी से बहुत लोग परेशान है। देखा कैसे बड़े बच्चों जैसी बातें कर रहा है और चुन चुन के वही खबरें पढ़ रहा है जो उसे नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन केशु ये वाकई सच है, आजकल काफी लोग दिल की बीमारी से परेशान है। कुकी कुकी, गंगा मौसी, गंगा मौसी कैसे आना हुआ? अरे क्यों, दिल की बीमारी तू यहाँ तक फैल गई? अरे गजब हो गया। क्या हमारे यहाँ वो हरि प्रसाद था ना पड़ोस में, वो मोटू? हाँ, वो फिनिश मर गया। कैसे? हार्ट अटैक से। ओ, ये गंगा मौसी जब भी आती है एक बुरी खबर लेकर ही आती है। हाँ, अरे और मजे की बात जानती हो? क्या क्या? वो हमारे ऊपर गंगाराम रहता है ना। छी, वो दिन रात धुआं छोड़ता रहता है। हाँ, उसे भी कल दिल का दौरा पड़ गया। अरे वो, इसे आप मजे की बात कहती हो? हाँ, और वो शांता बहन रहती है वो नीचे, उसको भी कल सीने में दर्द होने लगा। ओ, मुझे लगता है तुम्हारे आसपास जो कोई भी रहता है उसे दिल की बीमारी हो जाती है। क्योंकि पता नहीं तुम्हारे पति को मेरे यहाँ आने से आपत्ति क्या है। अरे मेरा बस चले तो तुम्हें तो गिरनार के जंगल में छोड़ा हूँ। हाँ, चलो चलो छोड़ो। अरे क्या करती, क्या करती हो? तो क्या, रहने दो, मुझे वहाँ के जानवरों पर तरस आता है, कहीं उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे बहुत हो गया, गंगा मौसी मेरी सहेली है। तो सहेली? मुझे तो मेरी सांस लगती है। देखो केशो, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है, यहीं से दिल की बीमारी की शुरुआत होती है। दिल की बीमारी की बात मेरे घर में मत करना। तो क्या करूं? क्या करूं? क्या आती रहती हो? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मैं चलती हूँ। जाओ जाओ जाओ, अब पड़ोस में जाकर कहो कि केशव कुलकर्णी को हार्ट अटैक आ गया है। कोकी, उसका ध्यान रखो, तुम जाओ। मम्मी, लगता है डैडी को भी हृदय की बीमारी हो गई। चुप, शट अप इडियट। केशव प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओके। कम लॉन्ग ना, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसमें से है क्या? किसके टूटने से आसमान टूट पड़ा है? सब तुम्हारे मतलब की चीजें हैं। You mean nail polish, mascara वगैरह? Shut up, Dil. किचन की चीजें हैं। Oh, Dil, वैसे मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है। अच्छा? तो मुझे तो महसूस नहीं होता। मुझे होता है। Really? Shut up, Dil. सिंगापुर जाने से पहले मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बहुत ऊंचा था। वो तो इसलिए कि तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके गई। तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मैं एक स्पेशल मशीन लाई हूँ सिंगापुर से, मेड इन जापान। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इससे तुम अपना ब्लड प्रेशर खुद मॉनिटर कर सकते हो। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। 1 2 3 4 5 कमाल है, इसमें तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है ही नहीं। है ही नहीं? हाउ इज इट पॉसिबल? बिना बीपी के मैं जिंदा कैसे हूँ? आई डोंट नो। ये मशीन खराब है तुम्हारी। शट अप, ये मेड इन जापान है। डॉल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मशीन खाली जापानी लोगों का बीपी चेक करती है? देखो, फ्लाइट पे मैंने अपना ब्लड प्रेशर भी चेक किया था, तब तो ठीक थी। तुम आज ही हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ। ओके, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है, मैं आज ही अपना चेकअप करवाता हूँ। देव, हॉस्पिटल से वापस आते समय 2 पेंसिल सेल्स भी ले आना, तुम्हारी टॉर्च के लिए। हाँ, टॉर्च के लिए। इसमें तो सेल ही नहीं है। हो, केशव,
अरे यार ये तुम क्या खा रहे हो? अरे हमारी कैंटीन के गर्मा गर्म पकौड़े है गोखले, तू भी खा। अरे ऑयली फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दिल की बीमारी के लिए निमंत्रण है ये। गोखले एक बात बता, ये दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक की वजह क्या होती है? केशव तुम कभी घी या तेल में तली हुई यानी के फ्राइड चीजें खाते हो? अरे गोखले घी और तेल तो मेरी रग रग में है, रग रग में। अच्छा मुझे ये बताओ तुम कभी मिठाई खाते हो? अरे मिठाई तो मेरी वीकनेस है, पता है हमारा पड़ोसी दिलरुबा जब चिंटू को चॉकलेट लाके देता है तो उसमें से आधी चॉकलेट मैं ही खा जाता हूँ। अच्छा केशव तुम्हें कभी किसी बात का टेंशन आता है? हाँ जब दोपहर को मेरे घर का फोन एंगेज रहता है तब मुझे बहुत टेंशन हो जाता है गोखले। आई सी। अच्छा केशव तुम सिगरेट? नहीं सिगरेट वो तो बचपन में ही छोड़ दी थी, जब मैं चौथे स्टैंडर्ड में था तब छोड़ दी थी। नो मोर इंटरेस्टेड। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे यह बताओ तुम कभी कोई भारी चीजें उठाते हो? हाँ पहले उठाता था लेकिन अब कोकी कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है। यार केशव मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ अब कुछ दिन पहले प्रेमा जी सीढ़ियों से गिर गई थी तब मैंने उनको उठाने की कोशिश की थी। केशव तब तुम्हारे दिल पर बोझ आया था? नहीं मेरी पीठ पर बोझ आया था। क्या हुआ? तुम्हें सावधान रहना चाहिए केशव। ए गोखले तू क्या कहना चाहता है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? ए मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है समझा? अरे 16 साल की उम्र से झटके खा खा कर मेरा दिल इतना पावरफुल हो गया है, मजबूत हो गया है, मेरे दिल को कुछ नहीं हो सकता है। अरे वाह वाह क्या बात है, फिर तो अच्छी बात है। क्या हुआ केशव? गोखले गोखले दर्द हो रहा है। केशव गोखले दर्द हो रहा है। घबरना मत केशव, घबरना मत, पानी पी लो, पकौड़ा फंस गया होगा। रिलैक्स 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 रिलैक्स। गुड। दोस्तों आपको बताते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे दिल्ली ऑफिस के डायरेक्टर मिस्टर डीके वर्मा ऑफिस से रिटायर होने के पहले ही इस दुनिया से रिटायर हो चुके हैं। आप तो जानते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार इंसान थे, शरीफ इंसान थे। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक मिनट के लिए चुपचाप खड़े होकर उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। केशव तुम श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट भी शांत नहीं रह सकते? गोखले मेरी छाती में दर्द हो रहा है। अरे जल्दी करो कहता हूँ, हम 5 मिनट के लिए मीटिंग रोक सकते हैं, दोनों के साथ श्रद्धांजलि दे देंगे। क्यों दोस्तों? नहीं बस लगता है केशव को वाकई तकलीफ हो रही है। माय गॉड कहीं मिस्टर कुलकर्णी को सचमुच हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? हार्ट अटैक ही है। चलो जल्दी एम्बुलेंस वाले दे। अरे एम्बुलेंस लाने में बहुत देर लगेगी, नीचे सब्जी वाले के हाथ गाड़ी खड़ी है, उसमें लाद लो और बीच में फैसला हो जाए तो सीधे स्मशान घाट ले जाकर के क्रियाकर्म कर देना। चुप केशु, केशु तुम ठीक तो हो ना? केशु ये आवाज तो डैडी की लग रही है लेकिन ये हाथ ऐसा क्यों है? डैडी के इधर क्या लगा है? अरे डॉक्टर शायद उन्हें ऑक्सीजन देना चाहते हैं। केशु अरे मैं यहाँ हूँ। अरे तो फिर ये कौन है? अरे वो एक दो दिन का मेहमान है, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ इधर आओ। केशु ये सब कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी हाँ डैडी के मुंह पर वो क्यों नहीं लगा है? डैडी मर जाएंगे क्या? आगे। 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 बस 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 प्लीज साइलेंस प्लीज साइलेंस। सॉरी डॉक्टर। आप इनकी वाइफ हैं क्या? हाँ। अच्छा हुआ आप आ गई, जब से एडमिट हुए ना बस सिर्फ आप ही का नाम ले रहे हैं। केशु 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 तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है? केशु आपको देखकर ये शांत हो गए, वरना दो दो मिनट के बाद पूछते थे प्रेमा जी कहाँ हैं, प्रेमा जी कहाँ हैं। केशु अब तो तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, ये ना सही प्रेमा जी रहने दीजिए प्लीज, आईसीयू है, मरीज को आराम करने दीजिए आप। सॉरी सॉरी। केशव कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम चलो लेकिन उसको दूसरा दौरा पड़ेगा। चुप रहो उसको दूसरा दौरा पड़ेगा, तुम चलो। केशव
केशव गोखले मेरा दोस्त केशव, इतना एक्साइट मत होना यार। गोखले क्यों वो आ रही है क्या? कौन? गंगा मौसी? अरे प्रेमा जी की बात कर रहा हूँ। केशव तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे तुम इतनी बार प्रेमा जी बोल रहे हो कि डॉक्टर कोकी भाभी को ही प्रेमा जी समझ बैठी है। मैं कब रिपेयर हो जाऊंगा? रिपेयर मेरा मतलब मैं कब ठीक हो जाऊंगा? अरे नहीं ठीक हो गए तो ही अच्छा है। क्यों? वरना कोकी भाभी तुम्हें मार मार कर वापस हॉस्पिटल भेज देगी। गोखले प्रेमा जी को बुलाओ, फोन करके बुलाओ। डोंट वरी आई एम देयर। गया आज ये गया, लगता है कल मेरी बारी है। कोकी जी शांत हो जाइए। शांत? मैं शांत ही हूँ, आप खामखा अपना हाथ घुमाए जा रहे हैं मेरे सर पे। लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? मुझसे कुछ मत पूछिए। लेकिन वो है कहाँ? स्वर्ग लोक हॉस्पिटल में। स्वर्ग लोक हॉस्पिटल? अरे वहाँ तो मैं भी गया था। आप क्यों गए थे? डॉल ने कहा था कि ऐसे सेफ्टी के लिए अपना चेकअप करवा लो। कुछ निकला? हाँ मैं निकला, मतलब साफ निकल के आ गया। डॉक्टर ने कहा अगले 50 साल तक नो प्रॉब्लम। इसका मतलब है और 50 साल आप हमारे पड़ोसी बंद कर रहेंगे। भाभी जी क्या कर? गोखले वो ठीक तो है? हाँ फिलहाल तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या? आप जरा हट जाएंगे, मैं इनके साथ बात कर लूँगा। अरे डोंट माइंड, मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ। हट जाइए ना। भाभी जी क्या हुआ? केशव के ट्रीटमेंट के लिए काफी खर्चा होगा। आने दो गोखले, 300-500 कितना भी आने दो, मैं तैयार हूँ खर्च करने के लिए। हाँ ये पैसा पानी की तरह बहा देंगे। 300-500? नहीं भाभी जी नहीं, एंजियोग्राफी, फोटोग्राफी, सोनोग्राफी और हाँ अगर बाईपास सर्जरी करनी पड़े तो 2-2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। आप फिकर मत करना भाभी जी, सारा खर्चा दिलरुबा जी करेंगे। कमाल है। अरे मैं क्यों? क्यों? आप इनके फैमिली मेंबर है ना? फैमिली मेंबर जैसा हूँ। अच्छा अच्छा जो भी हो फिलहाल आप इनका ख्याल रखिए, मैं निकलता हूँ। कुछ कीजिए। कोकी जी मैं 2-2.5 लाख कहाँ से लाऊंगी? कोकी जी बी प्रैक्टिकल, अब आपको उसके ऊपर 1 नया पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो उसको दिल का दौरा पड़ा है। हाँ? अब वो कुछ दिन का ही मेहमान है। ये क्या कह रहे हैं आप? कोकी जी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए उनको दिल का अटैक आया है, मान लीजिए कि आपने यहाँ वहाँ से इतनी मेहनत करके उधार लेकर बैंक से लोन लेकर 2-2.5 लाख रुपए जमा कर लिया, खर्चा भी कर दिया, उसके बाद वो दिलरुबा जी मतलब आपको तो पैसा गया ना पानी में, गया कि नहीं? अब आप इनको घर पर लेके आइए, सब पाइपें वाइपें निकाल दीजिए उसकी, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। लेकिन घर पर आने के बाद उन्हें कुछ हुआ तो? अब तो और भी अच्छा है, मतलब आपको LIC, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड सब मिलेगा ना। दिलरुबा जी आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए तो मैं आपको मारूंगी। ये क्या खिला रही हो कोकी? मौसम भी है केशव, तुम्हें अच्छा लगेगा। कोकी तुम कितनी अच्छी हो कोकी। देखो तुम जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ और घर आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है घर पे तुम्हारे बिना। केशव तुम्हारे पहले इस पलंग पर जो मरीज था वो कहाँ गया? ऊपर शिफ्ट हुआ, उसके ऊपर मर गया। केशु तुम डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं सब बेच डालूंगी लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हाँ कोकी प्यारी कोकी तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी। केशु जल्दी अच्छे हो जा। कोकी हाँ केशु बोलो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता कोकी। ऐसे मत बोलो केशु। अरे मैडम मरीज के लिए ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर आप कैसी हैं डॉक्टर? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, कल डॉक्टर भी बीमार थी। अच्छा आपने दवाई ली डॉक्टर? जी मैडम ये दवाइयाँ ला दीजिए आप। ठीक है थैंक यू। केशु मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। नहीं कोकी मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मैं अभी गई और अभी आई। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलो केशु। प्रेमा जी आप कैसे हैं? केशव जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं प्रेमा जी? मैं तो ठीक हूँ। कोकी जी केशव जी को क्या हुआ है? देखो ना
लेकिन कल से आपको बहुत याद कर रहे हैं। I know, मेरी शूटिंग पर 3 बार फोन आया गोखले का। कुकी, जाओ जरा दवाई लेकर आओ। हाँ मैं जाती हूँ, बाद में जाती हूँ। अरे जाओ ना, मुझे दवाई की जरूरत है, जाओ। अरे लेकिन तुम यहाँ अकेले हो ना। नहीं, अब है ना प्रेमा जी, वो मेरा ख्याल रखेंगी। अब तो मैं हूँ, आप जा सकते हैं। केशव जी। प्रेमा जी नहीं, यहाँ बैठिए प्रेमा जी, यहाँ बैठिए। प्रेमा जी। हाँ, आप कैसी हैं प्रेमा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको देखने के लिए मेरे पंच प्राण व्याकुल थे प्रेमा जी। केशव जी, मैं आपकी बाहों में अपना प्राण त्याग करना चाहता हूँ प्रेमा जी। केशव जी मुझे नहीं प्रेमा जी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत। What is this? ये क्या हो रहा है? चलिए आप लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है, लेट जाइए, लेट जाइए। और मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। पेशेंट को आराम करने की जरूरत है और मिलने का वक्त भी खत्म हो चुका है। ओके, आप जाइए। नहीं प्रेमा जी, प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रेमा जी जल्दी चलो। प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। हो गया शुरू नाटक तुम्हारा। तुम दवाई लाई? हाँ लाई हूँ, ये देखो। लेकिन लगता है अब इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या किया तुमने? और आज से तुम्हें अस्पताल की भी जरूरत नहीं है, घर चलो। अरे क्या कर रही हो? तो फिर इसका क्या करूँ? इसे रहने दो यहाँ, चलो चलो। मैं मर जाऊंगा फिर भी तुम्हारे हाथ से दवाई नहीं पीऊंगा। कम ऑन केशव, बी अ गुड बॉय। नहीं पीऊंगा। चिंटू, डैडी का मुंह खोलो। ए, 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 क्या कर रहा है? इंडियन छोड़। हाँ, दवाई गिरेगी। इंडियन, मैंने ना कहा दवाई नहीं पीनी। आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। केशव, केशव क्या हुआ? केशु, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? डैडी, केशु, इडियट, मैं जिंदा हूँ। हेलो, प्रेमा आंटी। हेलो, हेलो प्रेमा जी, मैं केशव बोल रहा हूँ। केशव जी, आप, मैंने आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए फोन किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। अरे नहीं प्रेमा जी, क्या करूँ, ये कोकी मुझे जबरदस्ती घर ले आई। वैसे मैं किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, कोलैप्स हो सकते हैं? तो फिर तो आपका फोन पर बात करना भी ठीक नहीं होगा, है ना? मैं फोन रखती हूँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ केशव जी, बाय बाय। हेलो, हेलो प्रेमा जी, प्रेमा जी। केशव, कल से तुम्हारी छुट्टी बंद, तुम दफ्तर जाओगे। गोखले, कुलकर्णी जी की तबीयत अब कैसी है? कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्हें देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ, वैसे आदमी बहुत अच्छा था। केशव, आओ केशव, आओ केशव, बैठो बैठो केशव, बैठो केशव, सुनना केशव, हाँ बैठो बैठो केशव, बैठो केशव। हाँ। डॉक्टर ने तुम्हें ऑफिस जाने की परमिशन दी? नहीं, कोकी ने मुझे ऑफिस भेज दिया। बड़ी लंबी है आपकी उम्र। तो अभी आप ही को याद कर रहे थे। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है गोखले, टेंशन लेने को मना किया, वरना। तुम कुछ मत बोलना केशव, तुम सिर्फ बैठे रहना। तुम्हें ऑफिस में देखकर शर्मा साहब बड़े खुश हो जाएंगे। मेरे कमरे में आओ। डॉक्टर ने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं सर, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। इसलिए तुम ऑफिस में चले आए? देखा डॉक्टर, अगर आप कहते तो मैं वापिस चला जाऊं। जानते हैं सब आपकी वजह से हुआ है। उस दिन अगर आप नहीं कहते तो मैं क्या? अरे आराम केशव, तुम आराम केशव, गोखले गोखले केशव सर, तुम आराम केशव, गोखले आराम कर ले थोड़ा सा, जैसे घर छोड़ा हो। जो कुछ होना है ना घर में ही होने दो भैया, क्योंकि लफड़ा यहाँ पर निकलना चाहिए वरना हम सब बच जाएंगे, समझे ना? देओ यार डॉल, दिल जरा केकू जी के घर टेलीफोन तो करो, उनसे पूछो उनकी तबीयत कैसी है। क्यों,
उसकी तबीयत की अब तुम्हें क्यों फिक्र लगी है? तेओ, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अच्छा है कि टेलीफोन तक ही बात टल जाए, वरना केको जी यहाँ आएंगे कहेंगे प्रेमा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, है तकलीफ क्यों की आने की? हम तो टेलीफोन पर ही पूछ सकते थे आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है या नहीं है। आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए। इट्स ऑलराइट प्रेमा जी, आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट। अरे आज तो मैं ऑफिस भी गया था और ऑफिस से सीधा यहाँ चला आया आपसे मिलने। आपने तकलीफ क्यों की? अगर आपको यहाँ कुछ हो गया तो? अरे प्रेमा जी वो तो मेरे धन्य भाग होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा आखिरी दम आपकी बाहों में तोड़ूं। क्यों बे, तेरी पत्नी की बाह नहीं है क्या? कि कुछ आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। प्रेमा जी मेरी आखिरी सांस। अपने ही घर में टूटनी चाहिए थी। इन्हें इनके घर छोड़ाओ प्लीज। चलो अबे घर जाके डकार लेना। चल चल केशो, इनके घर क्या कर रहे थे तुम? ऐसे ही प्रेमा जी को बाय कहने के लिए गया था। क्यों, कहीं जा रहे हो? डॉक्टर के हिसाब से तो अब तक चले जाना चाहिए था, लेकिन ये है कि दिलरुबा जी चुप रहिए आप। कोकी भाभी गोखले क्या हुआ? अभी अभी मैं केशव के हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट लाने गया था। क्या है? वहाँ पता चला कि केशव को कुछ नहीं हुआ है। उसका रिपोर्ट किसी और हार्ट पेशेंट के साथ बदल गया था। तो फिर वो मेरे सीने में जो दर्द हो रहा था उसका क्या हुआ? अरे यार वो तो मामूली गैस के कारण है। खाली गैस थी? ओह नो। लेकिन इनकी रिपोर्ट किसके साथ बदली हुई थी? वो तो मैंने देखा नहीं, खैर देखता हूँ। पढ़ो ना। ये रिपोर्ट दिलरुबा जी का है। ये तो खाली गैस है। ओह नो, ये गैस नहीं है, असली है।